एकदम अजीबोगरीब परंपरा। यहां अनजान व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं उसे देखकर आपको भी हंसी छूट जाएगी। दोस्तों, ऐसी ही एक अजीबोगरीब परंपरा है जहां महिलाएं अनजान पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों करती हैं महिलाएं, ये बातें जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हर साल पौन नामक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान महिलाएं अनजान शख्स के साथ संबंध बनाती हैं और ये परंपरा प्रत्येक महिला खुशी से करती हैं। इस रिवाज के अनुसार अनजान व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से एक दूसरे की मनचाही मुरादें पूरी होती है, ये यहाँ के लोगों का मानना है। साथ ही निजी जीवन और परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। साल में 7 बार मनाया जाता है ये फेस्टिवल। बाप रे बाप, ये फेस्टिवल है या कुछ और? और हैरान करने वाली बात ये है कि यहाँ के नियमों के तहत महिलाओं को हर बार नए नए साथी खोजने होते हैं, उनके साथ संबंध बनाने होते हैं। अगर किसी पुराने पार्टनर के साथ संबंध बनाए तो उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। भाई वाह, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जाना चाहेंगे यहाँ? कॉमेंट में बताइए ना जरा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये पर्व। ऐसा करने के पीछे की एक कहानी प्रचलित है। इंडोनेशिया के एक युवा राजा का अपनी सौतेली माँ के साथ अफेयर था, जिसका घपाघप करने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई और गुनुंग कैमुकस में पर्वत के ऊपर उन्हें दफना दिया गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कोई पर्वत के ऊपर रोमांटिक होता है ना, उसे अच्छी किस्मत प्राप्त होती है। ये त्योहार हर साल एक खास पर्वत पर ही मनाया जाता है। लोग इस पर्वत पर पहुंचकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और फिर वहीं एक दूसरे में खो जाते हैं। एक और अजीबोगरीब फैक्ट है, यहाँ पराई पत्नी को चुरा कर शादी करने की अजीबोगरीब परंपरा है, जिसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दुनिया भर में शादी के अनेक रीति रिवाज होते हैं, पर कुछ ऐसे रिवाज भी होते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। पश्चिम अफ्रीका में ऐसा एक रिवाज है जहां लोग एक दूसरे की बीवियों को चुरा कर शादी करते हैं। इस तरह की शादी इस जनजाति के लोगों की पहचान है। इस रिवाज के अनुसार यहां पहली शादी घर वालों की मर्जी से ही होती है, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए पुरुषों को किसी की पत्नी को चोरी करना पड़ता है। इसके लिए हर साल गेरेवोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लड़के चेहरे पर रंग लगा कर आते हैं और शादीशुदा महिला को रिझाते हैं। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि महिला का पति ये सब ना देख रहा हो और उसे इस बात की जानकारी भी ना मिले। महिला के मान जाने के बाद पुरुष पहले से शादीशुदा महिला को लेकर भाग जाते हैं। बाद में दोनों का विवाह समुदाय के लोग करवा देते हैं और इस तरह की शादी को इस समुदाय के लोग लव मैरिज मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो ये थी कुछ अजीबोगरीब परंपराएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इसे एक लाइक तो कर ही देना यारो, और साथ ही कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर देना। और उसके बाद मिलते हैं फिर। धन्यवाद।